Today we will learn English language first poem. Before we start the poem, I want to ask you a question. What is the first thing that comes to your mind when you think about summer? Let me give you one clue. The thing is very cold, very creamy, very soft, very sweet, and wonderful to eat. Yes, you are right. The thing is ice cream. We all like ice cream. Summers ke dinon mein specially hume ice cream, ice dishes, cold drinks ये सब पसंद होते हैं. तो आइसक्रीम से जुड़े एक आइसक्रीम मैन से हम आज मिलेंगे थ्रू द पोएम. आइसक्रीम मैन, देयर इज अ पिक्चर ऑफ आइसक्रीम मैन. द चिल्ड्रन आर गैदर अराउंड विद हिम. फर्स्ट आई विल रिसाइट द पोएम एंड व्हाट यू हैव टू डू इज सिंग विथ मी. व्हेन समवन इन द सिटी एंड ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ हे, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight, to see him fill the pond with foam of cooling brown and white. Vanilla, chocolate, strawberry, or chili things to drink, from bottles full of frosty fizz, green, orange, white or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees. The poem is written by Rachel Field. Have you enjoyed the poem? Of course. Let's chalo aur poem ko samajhte hain. When summer's in the city and brings a blaze of heat. जब सिटीज में समर आता है, समर की सीजन आती है. एज वी ऑल नो अभी कौन सी सीजन है, समर की. सो समर की सीजन में सिटीज में और विलेजेस में जो ब्रिक्स है, पत्थर है जिसके साथ हमारा घर बनता है, वो ब्रिक्स एंड पत्थर्स गर्म हो जाते हैं. ब्रिक्स ग्लेज ऑफ हीट, वो गर्म हो जाते हैं, गर्मी पकड़ते हैं. तब द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार गोस ट्रंबलिंग डाउन द स्ट्रीट. समर की सीजन में आइसक्रीम मैन आता है हमारी गलियों में, किसके साथ, अपनी छोटी सी गाड़ी के साथ. वो अपनी छोटी सी गाड़ी है वो हमारी गलियों में लेके आता है. वो गाड़ियों के नीचे जो पहिए होते हैं उससे वो चलती है. ट्रनलिंग मीन्स छोटे छोटे पहियों से गाड़ी को चलाना. बीनिथ इज राउंड अम्ब्रेला, समर का सीजन है, गर्मी बहुत पड़ती है, धूप बहुत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, हम तो घर पे बैठे रहते हैं छत के नीचे, फुल ऑफ चिल एटमोस्फियर. पर व्हाट अबाउट आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम मैन क्या करता है, उसको तो जाना ही पड़ता है धूप में, तो वो क्या करता है, अपने साथ एक अम्ब्रेला रखता है. और व्हाट अ जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द फॉर्म्स विद माउथ ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट. उसका जो कार्ट होता है वो फुल ऑफ आइसक्रीम होता है, अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम होती है, अलग अलग कलर्स की आइसक्रीम होती है. उसमें से देखने वाली बात है क्या होती है, अमन किस चीज से मजा आता है कि जब वो कौन है वो अलग अलग कलर की आइसक्रीम से भरते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्राउन एंड वाइट, एक कौन लिया, ब्राउन कलर की आइसक्रीम डाली, व्हाइट कलर की आइसक्रीम डाली. माउंट्स मीन्स एक के ऊपर एक आइसक्रीम को डालना, तो वो देखने वाली बात मजे की होती है, उससे हमें मजा आता है. अलग अलग फ्लेवर्स की, चॉकलेट्स की, वेनिला की चॉकलेट्स की, स्ट्रॉबेरी की, ये अलग अलग प्रकार की, अलग अलग फ्लेवर्स की चॉकलेट उसके पास होती है. सबकी पसंद अलग अलग होती है, वैसे ही वो आइसक्रीम लेके आता है. और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, आइसक्रीम खाने के साथ उसके साथ चिली थिंग्स भी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स भी होती है जो पीने के लिए होती है. फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज़, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक. कौन कौन से कलर की बॉटल्स होती है, ग्रीन होती है, ऑरेंज होती है, व्हाइट होती है, पिंक होती है, वो बॉटल कैसी होती है, फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज़, मतलब बॉटल से वो निकालती है, बर्फ के अंदर से वो बॉटल्स निकालते हैं, तब वो बॉटल्स में से धुआं निकलता है, बबल्स की साउंड आती है, तो वो क्यों, क्योंकि वो एकदम चिल्ड होती है. फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फ्रीज, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक. अलग अलग प्रकार की बॉटल्स होती है जिसमें अलग अलग फ्लेवर्स के जूस होते हैं, तो वो हमारे लिए पीने के लिए होते हैं. इसका माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस
The way the children cluster now. Cluster means ikattha hona. The way the children cluster now as thick as honeybees. Honeybees ki tarah wo ice cream man ke ird gird ikattha ho jate hain. यहाँ पे हमने कौन कौन से न्यू वर्ड सीखे. यहाँ पे हमने ब्लेज, ब्लेज मतलब ब्राइट फ्लेम और फायर, मतलब एकदम गरम हो जाना. जो हमने देखा ब्लेज ऑफ ब्रिक्स, गरम ईंट, गरम पत्थर. ट्रंडलिंग, मूविंग ऑन स्मॉल पॉट व्हील्स. ट्रंडलिंग मीन्स स्मॉल व्हील के ऊपर मूव करना. माउंट, हिप और पाइप, मतलब एक के ऊपर एक को रखना. फ्रोस्टी फीस, मतलब चिल ड्रिंक मेकिंग अ हिसिंग बबलिंग साउंड. फ्रोस्टी मींस वो एकदम ठंडा होता है जो हिसिंग साउंड क्रिएट करता है और बबल की साउंड क्रिएट करता है. क्लस्टर मींस गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स. क्लस्टर में वो है कलेक्टिव नाउन है, मतलब एक के साथ एक समूह में इकट्ठा होना. क्लस्टर मींस गैदर अराउंड, एक साथ इकट्ठा होना. ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स. थैंक यू वेरी मच.